हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 9, और इस पार्ट 9 में, ये कहाँ का पार्ट 9 है? पार्ट 9 ये पार्ट 10 होना चाहिए, और ये है चैप्टर 3 का पार्ट 10, और इसमें हम क्वेश्चन 14 एंड 15 करने जा रहे हैं। ठीक है सर। सर क्वेश्चन जो 14 है वो डील करता है ऑडिट की प्लानिंग से, कि ऑडिट की प्लानिंग में क्या होता है और कैसे होता है। दोस्तों अभी आपने पिछले पार्ट में क्वेश्चन देखा होगा ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग। सर ये जो ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग होती है वो ये होता है कि ओवरऑल हम जो हमारे जो रिसोर्स है उसका अलोकेशन कैसे होना है, वो सही जगह से यूज़ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम उन्हें टाइमली इफ़िशियंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो होता है ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग। लेकिन ऑडिट प्लानिंग जो होता है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वही हमें सीखना है, और इसको डील करता है SA 300। एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे सर कि ये हमारे ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं उसमें से कोई छोटा सा पोर्शन उठा लेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूरा ऐसे एक बार में कभी नहीं आता। ठीक है सर। तो हमें अब इसमें देखना है कि हमें कैसे आंसर देना है इस क्वेश्चन को। तो सर इसके लिए मैंने PDF आपके जो ग्रुप है आपका ब्रॉडकास्ट का उसमें ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा बुक से पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है ये। बहुत इजी है, और जो अब तक आपने मेहनत की है वो आपको दिखेगी, आपकी लैंग्वेज भी इतनी कमांड बन गई होगी कि आप मेरे साथ 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को निपटा भी देंगे। सर SA 300 इंडिकेट करता है, एज पर SA 300 ये क्या कहता है, वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। जब आपने एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को एक बार आपने क्या कर लिया है, बना लिया, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ये कहाँ हमने सीखा, ये हमने पिछले क्वेश्चन 11-12 के अंदर देखा ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में। उसके बाद वो कहता है एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर हमने जितनी भी समस्याएं देखी हैं उनको एड्रेस करने के लिए, हमें एक ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा कि ये वाली समस्या आएगी तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन, क्या हथकंडे हमें लगाने हैं। टेकिंग इन टू अकाउंट का मतलब क्या है कि उस पर हम ध्यान देंगे, अकाउंट टू अकाउंट नहीं खोलना है। टेकिंग इन टू अकाउंट मतलब जो भी हमारे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के दौरान जो भी प्रॉब्लम आई है उस पर ऑडिट प्लान देंगे और हम उस पर ध्यान देंगे टू अचीव, ताकि हम प्राप्त कर पाएँ ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को इफ़िशियंट यूज़ करके। किसका इफ़िशियंट यूज़ करके? ऑडिटर रिसोर्सेज। तो ऑडिट के रिसोर्सेज क्या थे, हमारे पास लड़के हैं 50, ठीक है, और सब 8-8 घंटे काम करेंगे और 5 दिन में काम ख़त्म करना है, और इफ़िशियंट यूज़ में लैपटॉप वगैरह भी मैंने आपको कहा कि भैया वो जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उनको इफेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ करना है। सर उसके बाद अगला है पैराग्राफ की द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, और जो हम डिटेल ऑडिट प्लान अब बनाने वाले हैं, ओवरऑल स्ट्रेटजी हमने देख ली, उसके बाद अब हम हर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए डिटेल ऑडिट प्लान बनाएंगे, आर नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। वो ये कह रहा है कि ये और ये जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, और सिक्वेंशियल प्रोसेस, और ये सिक्वेंशियल प्रोसेस भी नहीं है। मतलब ये कैसे काम करता है, ज़रा आप ये समझो। वो ये इस तरीके से काम करता है कि लेट सपोज ओवरऑल स्ट्रेटजी में आपने जो भी नॉलेज गेन की क्लाइंट के प्लेस के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, A to Z जो भी जानकारी आपने ली, वो सारी की सारी किस में काम आ जाएगी, ऑडिट प्लान में। इसलिए वो कह रहा है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी जानकारी आपने इकट्ठा की है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, 11 के अंदर, वो सारी की सारी जब आप डिटेल ऑडिट प्लान बनाओगे तो वहाँ पे यूज़ होगी, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, या एक ही अवस्था के दो पहलू, या फिर एक ही सिक्के के दो हिस्से, हेड एंड टेल, लाइक दिस, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। सीन्स चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कंसिक्वेंशियल चेंजेस टू अदर। मतलब अगर एक में बदलाव होगा तो दूसरे में अपने आप हमें बदलाव करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा अकाउंट की बुक कौन देगा, शर्मा जी देंगे, तो ये मैंने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में कर लिया था कि शर्मा जी एक अच्छे इंसान है, वो 2 मिनट के अंदर हर बुक दे देंगे तो मेरा टाइम वहाँ कम कंज्यूम होगा। तो पता चला कि शर्मा जी मतलब चले गए वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, अब उनकी जगह पांडे जी आ गए हैं। ठीक है,
ये अग्रवाल जी आ गए। अग्रवाल जी थोड़े खड़ूस इंसान है, जब तक उनको थोड़ा डांटो नहीं वो काम नहीं करते, तो उनसे काम करवाने के लिए वो 1 घंटा एक काम में लगवाएंगे। तो फिर मेरी ऑडिट प्लानिंग चेंज हो गई, ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग। तो उसके कारण जो मेरा ऑडिट प्लान नेक्स्ट बनेगा कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, बहुत टाइम खाता है, तो इसके लिए भी मुझे कोई टाइट का बंदा रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा जो अगला प्लान होने वाला है वो चेंज हो जाएगा। फिर सर एक आता है बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि ऑडिटर को प्लान बनाना होगा, नॉलेज इकट्ठा करनी होगी और जरूरत पड़ने पे रिवाइज करना होगा। तो आप ये कीवर्ड याद रखो, PKR। क्या? PKR कैसे रखना है? PKRC। आप कैसे याद रखोगे? PKRC ये आप याद रखोगे, ठीक है? प्लान, ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट में क्या करना है, प्लान बनाना है, नॉलेज इकट्ठा करनी है, रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, ठीक है? और क्या करना है भाई साहब को, देखो, और भाई साहब को कवर करना है। क्या कवर करनी है? ये अगेन KDR, KDNC, ठीक है? क्या इकट्ठा करना है मैंने? KDNC। तो भाई साहब कवर करेंगे, कवर करेंगे, कवर में क्या क्या करेंगे? KDNC। KDNC क्या होता है? के से मतलब भी और नॉलेज इनको अभी चाहिए, ठीक है? जो भी आगे की नॉलेज होगी, इन्हें डिग्री मेंटेन रखनी होगी, इन्हें नेचर देखना होगा कि कैसा है, और इन्हें सबसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा। ये कीवर्ड है जिनके थ्रू आपकी 8 लाइनें कवर हो जाएंगी। 1, 2, 3 सी से कवर करता है, ठीक है सर? इतनी पॉइंट्स आप ऑटोमेटिक इन पॉइंट से बना सकते हो, ठीक है? ये कवर करने के लिए क्या कह रहे हैं, ये कवर करने के लिए कह रहा है नॉलेज को। अच्छा, आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको कैसी नॉलेज चाहिए? हमें उसके अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए होगी। किसकी नॉलेज चाहिए होगी? उसके अकाउंटिंग सिस्टम की। उसकी हिरार्की क्या है, उसकी हिरार्की क्या है वो देखनी होगी, उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है वो देखना होगा। तो हम इसकी नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब जरा देखते हैं किताब के अकॉर्डिंग कि भैया उसे PKRC और सी में KDNC, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स में? द ऑडिटर शुड प्लान टू हिज वर्क, इनेबल हिम कंडक्ट एन इफिशियंट ऑडिट एंड इफेक्टिव ऑडिट इन टाइमली मैनर। इफिशियंट एंड इफेक्टिव में मतलब पता है आपको? इफिशियंट एंड इफेक्टिव होना। देखो, आप सारे लोग मेहनत करोगे तो आप IPCC का एग्जाम पास कर लोगे, ये इफिशियंसी सबके अंदर है। लेकिन जो बंदा आज भी 3 महीने पहले ही 12 से 15 घंटे लगा रहा है, जैसे मेरे टॉप 30 के बच्चे हैं और जो मैंने मई 2018 का बनाया, वो सारे शेड्यूल फॉलो करते हैं, मेल्स भी करते हैं, टेलीग्राम पे बताते हैं, फेसबुक पे बताते हैं, तो वो सारे जो भी लोग बता रहे हैं ना वो इफेक्टिव हैं। और इफिशियंट तो सारे ही हैं, पूरे जितने लोग रजिस्टर्ड करते हैं CA में सब इफिशियंट है, लेकिन जो काम करते हैं विथ इन अ टाइम वो इफेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ भैया, 2 का पहाड़ा सुनाना, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये तो सबको आता है, सब इफिशियंट है कि वो 2 का टेबल सुनाते हैं, लेकिन कितने समय में, कितने अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, दैट इज इफेक्टिव। और क्या होता है? टाइमली मैनर, मतलब भैया जो भी कर रहे हो वो समय के अंतर्गत करना। नॉलेज मतलब हमें किस चीज की नॉलेज रखनी है? हमें नॉलेज रखनी है क्लाइंट के बिजनेस की। उसके बाद है दे शुड बी फर्दर डेवलप एंड रिवाइज एज नेसेसरी, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम बदलाव लाते रहेंगे। उसके बाद ये कवर करता है क्या क्या, प्लान जो होगा वो कवर करेगा क्या क्या, कवर करेगा नॉलेज, डिग्री, नेचर एंड कोऑर्डिनेशन। नॉलेज किसकी? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, उसकी पॉलिसीज की, उसके इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर्स की, और उसके हिरार्की की। किस किस की भैया, एक बार दोबारा से? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है उसकी, आपकी जो हिरार्की है उसकी। Establishing the expected degree of reliance, ठीक है? तो हमें डिग्री ऑफ रिलायंस देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कितनी उम्मीद कर सकते हैं उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कि वो सही है या गलत है। अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है, हमें लग रहा है इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, तो हमें काम सावधानी से करना होगा। लेकिन अगर हम उस पर भरोसा कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल पे, तो हमारा जो टाइमिंग है खर्च होने वाला है और जो हमारी इफिशियंसी लगने वाली है, इफेक्टिवनेस लगने वाली है, वो रिड्यूस हो जाएगी। डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, हमें क्या करना है? NTE किसका रखना है? ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, मतलब हमें डिटरमाइनिंग
एंड प्रोग्रामिंग हमें क्या करना है, डिटरमाइन मतलब होता है पता लगाना, एंड प्रोग्रामिंग मतलब होता है पहले से व्यवस्थित करना चीजों को, कि पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एस्टेंट, कि भैया समय कितना लगेगा, और नेचर मतलब होता है क्या लगेगा, टाइमिंग मतलब कितना समय लगेगा, एस्टेंट मतलब कितना क्वांटिटी में टाइम बात करता है ये समय के बीच में। ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, मतलब हमें अपना ऑडिट जो प्रोसीजर है उसे परफॉर्म करने के लिए NTE कितना लगने वाला है, समझो। ऑडिट प्रोसीजर जो हमने प्लानिंग बनाई है, हुड़ हुड़ दबंग दबंग हम क्या करेंगे, खलबली करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देवसेना को जिताएंगे बाहुबली के द्वारा। तो ऑडिट प्रोसीजर कंप्लाई करने में, हमें लगाने में ओवरऑल नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या होने वाला है, और पूरे समय के दौरान आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, किसे, वर्क टू बी परफॉर्म बाय अदर्स, मतलब जो भी आपके जूनियर्स होंगे, जो भी आपके साथ में CA काम कर रहे होंगे, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, सबसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, और आपको इन्फॉर्मेशन लेती रहनी होगी टाइम टू टाइम कि भैया आप आगे ऐसे करने वाले हैं और ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आता है, ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके ऑडिट प्लान में ये बातें शामिल होनी चाहिए। बड़ा प्यार से है, मैं भी इसे आपके लिए एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। अरे भैया ये तो कई बार बात ही नहीं मानता है, नाराज हो जाता है ऐसा लगता है। भैया चलिए यहाँ पे इतना तो अब हम देख रहे हो आप, मतलब कोई भी अच्छा काम करो तो बीच में कोई ना कोई परेशान करने वाला दिख ही जाता है, बट इसको पता नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा शैतान हूँ, मैं हार ही नहीं मानूंगा। कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लूंगा, आप देखो ये आपका टाइम वेस्ट करवाना है। चलो तो देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो आप ऑडिट प्लान बनाने वाले हो, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये ओवरऑल आप ऐसे याद रखोगे भैया इसके तो चार पार्ट होते हैं। कैसे याद रखोगे, इसके चार पार्ट होते हैं सर। पहला कहता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप प्रोसेसर। रैप प्रोसेसर क्या होता है, हमने चैप्टर 2 में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और इसको कौन गाइड करता है, SA 315। आप ऐसे याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिख दोगे, ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी लाइन। दूसरा आप याद रखोगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर इसका मतलब ही होता हो ना भैया, पहले से सारी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो कि ये सर ने पहले पढ़ा है, तो हम पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सर इसमें दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, एक होता है कंप्लायंस ऑडिट प्रोसीजर जो इंटरनल कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लायंस ऑडिट प्रोसीजर, और एक जो होता है वो होता है आपका सिस्टमेटिक, ठीक है, या फिर आप इसे बोलो सबस्टांटिव, सबस्टांटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये दो टाइप के होते हैं, इनका आपको ख्याल रखना होगा, और ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पार्ट होने वाले हैं कि भैया आपको ऑडिट प्लान में क्या क्या शामिल रखना चाहिए। सर थर्ड जो है बड़ा प्यारा सा है, वो ये कहता है कि अदर प्लांट ऑडिट प्रोसेसर, अदर प्लांट ऑडिट प्रोसेसर, सो दैट एंगेजमेंट प्लस कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अदर प्लांट ऑडिट प्रोसीजर, मतलब कि अगर कोई दूसरी चीज भी हमें अपने प्लान में शामिल करनी है तो हमें उन बातों का भी ख्याल रखना होगा, सो दैट एंगेजमेंट, कि भैया जो हमारे एंगेजमेंट लेटर में हमें बताया गया है ये करना है वो करना है, उस बातों को भी अपने ऑडिट प्लान में हमें शामिल रखना होगा, और अगर कोई SA की कंप्लायंस है तो वो भी अपने प्लान में शामिल रखनी होगी कि भाई इस SA में ये करने के लिए कहा गया है तो बेटा ये मस्ट है डू, और ये करके जाना, बाद में ये ना हो कि अगर केस खुल गया और आप ये कहो कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि SA क्या कहता है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि पहले ही अपनी प्लानिंग में शामिल कर लो कि आपको किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, SA की कंप्लायंस को कैसे दिखाना है, आपके एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा है उस बात को कैसे पूरा करना है, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी होनी चाहिए।
अरे भैया काहे परेशान कर रहे हो बच्चे को, चल लो। हाँ ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपका हो गया नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, एंड रिव्यू ऑफ वर्क बाय दी एंगेजमेंट टीम। सर देखो यहाँ पे डायरेक्शन के ना दो मतलब ले सकते हो। एक एक ये मतलब हो सकता है कि भैया कौन कैसे काम करेगा, कौन किस चीज़ को देखेगा, कौन किस में कितना टाइम लगेगा। जैसे नेचर टाइम एंड एक्शन, इसका मतलब तो आप कई बार सुन चुके हो। मतलब लेट सपोज ए जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जाएगा, वो भी सेल वाले, ठीक है। ये क्या करेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जाएगा, वो है सेल वाले में। सेल में वो भाई साहब क्या करेंगे, शर्मा जी से बात करेंगे, ठीक है। और अगर शर्मा जी प्रेजेंट नहीं है तो वो अग्रवाल जी से फाइल को मांगेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ों में अब उसको क्या लगाना है, ऑडिट सैम्पलिंग वो 50-50 खेलेगा या फिर 100 में सिर्फ 10 चेक करेगा, 90 नहीं करेगा। ये सारी बातें डायरेक्शन होती है जो उसका जो बॉस होगा ना, जो इनके ऊपर वाले होंगे, वो इसे बताते रहेंगे। सुपरविजन मतलब ये बॉस टाइम टू टाइम ये भी चेक करेगा कि इस लड़के को वहाँ भेजा है वो कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पता चला उनके स्टाफ ने हमारे जो हमारे आर्टिकल्स है उनको बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद रिव्यू, रिव्यू मतलब जो काम अब तक हुआ है उसको चेक करते रहना कि वो सही है या नहीं है। और ये सब किसके साथ किया जा रहा है, ये हमारे इंगेजमेंट टीम के साथ किया जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें बात आती है कि आप में ना इसमें प्लान बना के रखना है, प्लान बनाते रहना है। प्लान में क्या होता है भैया, प्लान में यही बातें आती है कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। और इसी को आप क्या बोलते हो, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। ओके इसी में फिर एक आता है टॉपिक कंक्लूजन का, कि भैया आप कंक्लूजन कैसे निकालोगे, आप कंक्लूजन की बात करोगे तो क्या कहोगे आप। तो भैया इसमें मैं कहूँगा कि जो मेरा ऑडिट प्लान है, ठीक है, वो हमेशा डिटेल प्लान होता है। कंक्लूजन तो यही है इस बात का कि उसमें हर बात पहले से लिखी होती है। और इसमें जो प्लानिंग हम लिखते हैं वो ओवर दी कोर्स ऑफ ऑडिट लिखते हैं, ओवर दी कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब जो हमारे ऑडिट का पूरा कोर्स क्या चलने वाला है, किस समय हम क्या करने वाले हैं, उस बात की पहले से प्लानिंग होती है। उसके बाद सर रैप होता है, रैप 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 में हम क्या देखते हैं, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट किसका, अर्ली स्टेज का। अर्ली स्टेज मतलब हम वहां जाने से पहले कितना रिस्क कैलकुलेट होगा, इस बात को पहले से ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन कब समझ में आएगी, जब आपने पहले के सारे लेक्चर दिख रखे हैं। कुछ तो सर ऑडिट में यही पंगा है कि जो पहले से जो है ना, पहले का कहीं ना कहीं कोई लिंक आता रहेगा। अगर डायरेक्ट आप देख रहे हो तो भी परेशान मत हो, आप अपनी कॉपी में लिख लो कि ये कहा है पहले का। तो पहले के जब लेक्चर्स आप देख लोगे, 37 या 38 अपलोड हो गए हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर फिर आपका फोर्थ इसमें पॉइंट आ जाता है, या फोर्थ ना कहो तो आप इसी में कह सकते हो कि रैप में हम क्या पता चलेगा, हमें आउटकम पता चलेगा, ठीक है। हमें क्या आउटकम, मतलब रैप से हमें क्या पता चलता है, आउटकम पता चलता है किसका, कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगने वाला है, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमें कितना समय लगने वाला है, क्या क्या काम करना है। नेचर टाइम एक्सटेंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, नेचर मतलब क्या करना है, टाइम मतलब कितना समय लगेगा और कितना लगेगा। तो रैप हमें ये हमेशा बताता है कि आउटकम, ये आउटकम क्या देने वाला है, कि ये हमें बता देगा पहले कि भैया जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप करने वाले हो, कंप्लायंस एंड सब्सटेंट है, उसमें कितना समय लगने वाला है और उसमें क्या क्या करना है, ये हमें रैप प्रोसीजर पहले ही बता देता है, ठीक है सर। ओके अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो आपने, आप देख सकते हो आपने ये आंसर कंप्लीट कर लिया है। देखो कंक्लूजन इसने दे दिया, मोर डिटेल्ड होता है, ठीक है। प्लानिंग जो प्रोसीजर होती है वो ओवर द कोर्स की होती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो जाता है जो हमें बता देता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगने वाला है, यही उसका क्या होता है, आउटकम होता है, ठीक है। तो ये सारी बात आपने इसमें देख ली। इसी में सर हम क्वेश्चन नंबर 15 को टच कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है सर, कहता है कि एज पर एसए 300, व्हाट नॉलेज अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट शुड ऑडिटर ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर। मतलब रैप के दौरान, रैप के दौरान ऑडिटर को क्या क्या ऑब्टेन करना चाहिए क्लाइंट के,
क्लाइंट के एंटिटी के बारे में और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब आपसे कहा जा रहा है ना कि वहाँ की जानने की जानकारी लो, वहाँ की जानकारी लो, वहाँ की जानकारी लो, तो वो क्या जानकारी जाके लेगा, ये ऐसे 315 डील करता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे 315 में बताया गया है कि जो हमारा ऑडिटर है वो क्या क्या जाके जानकारियाँ इकट्ठा करेगा एंटिटी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। तो सर ये एक सेल्फ रीडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा लेकिन मैं आपको एक बार टच करते हुए चलता हूँ। ये कहता है ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। लेट सपोज सर मुझे आपके घर आना है, आपके घर साबुन, शैम्पू, खाना पीना, सोना, टीवी, वाईफाई सबका व्यवस्था मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से घर से अपने कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा सिवाय अपने कपड़ों के। लेकिन मुझे अगर पहले से पता हो कि आपके घर जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने का सिवाय खाने के, वो भी खाना मुझे एक टाइम मिलेगा वो है शाम को, सवेरे बस चाय मिलेगी क्योंकि अब जो भी है, या फिर मैं किसी जैन फैमिली के यहाँ जा रहा हूँ तो वो लोग 7 बजे से पहले खाना खाते हैं, वो भी लाइट फूड लेते हैं और सिर्फ 10 या 11 बजे सवेरे खाते हैं, तो मुझे वहाँ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल ऑडिट प्लान डिसाइड करने के लिए मुझे क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी लेनी है, ऑब्टेनिंग करनी है नॉलेज को, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होगा आपके लिए। ठीक है, विदाउट इट यानी इसके बिना प्रॉपर ऑडिट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे 315 कहता है कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सर ये ना एक तो या तो आप इसे रटोगे या तो समझोगे। देख भाई मैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग करूंगा किसका, रिस्क का, वो रिस्क कहाँ छुपा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। सर देखो रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ के अगर आप चलोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटो रटने वाला चीज़ कभी आगे नहीं जाता लेकिन समझा हुआ लाइफ टाइम काम आता है। देखो मटेरियल स्टेटमेंट में जो रिस्क है हम उसको आइडेंटिफाइंग करेंगे एंड असेसिंग करेंगे। ठीक है, कैसे, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, कैसे अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, कैसे अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, और किसकी अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की। तो भैया हमें देखना पड़ेगा कि जो हम समझ ले रहे हैं वो हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग होगा, उनकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है उसके हिसाब से अलग होगा, उसके बाहर के अदर फैक्टर कौन कौन से उसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसका अलग होगा, यानी सबका अलग अलग होता है हिसाब किताब उनकी एंटिटी और इन्वायरमेंट को समझने का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है कि अगर आप एक कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो तो उसकी वो इंडस्ट्री अलग है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी अलग होगी, उसके एक्सटर्नल फैक्टर अलग होंगे। आप जा रहे हो किसी पार्टनरशिप फर्म का, एओपी का, बीओआई का, तो सब इंडस्ट्री अलग होती है, सबकी रेगुलेटरी बॉडी अलग होती है, एक एक्सटर्नल फैक्टर अलग होता है। आप बैंकिंग ऑडिट करने जा रहे हो वो इंडस्ट्री अलग है, उसकी रेगुलेटरी अलग है, उसका एक्सटर्नल फैक्टर अलग है। आप हॉस्पिटल का करने जा रहे हो तो उसकी इंडस्ट्री अलग है, उसका रेगुलेटरी बॉडी अलग है और उसके अदर फैक्टर्स अलग हैं। तो मतलब आपको हर अलग अलग एंटिटी के हिसाब से अलग अलग डिटेल नॉलेज लेनी होती है। नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है, अब अगर हम नेचर ऑफ एंटिटी की बात करें तो क्या कहता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है सूफी, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। हाँ तो सर ऐसे क्या होता है, एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, मतलब एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब काम कैसे होता है और वहाँ के पैसों का बंदोबस्त यानी वहाँ से की फाइनेंसिंग कैसे होती है। सूफी ओ से ऑपरेशंस, वहाँ पे काम करने के क्या ऑपरेशंस के मतलब क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से काम होता है। ओ से ओनरशिप, वहाँ का मालिक कौन है, वहाँ की गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन बंदा है जो डिसीजन मेकिंग करता है, कौन बंदा है जिसके कहने पे ऑपरेशंस होते हैं। एफ से सर होता है, सॉरी आई है, आई से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वहाँ पे किस तरीके से जो पैसे आते हैं उसे कहाँ लगाया जाता है। फिर सर है इसमें आप बात करो कि पहला देखो पॉइंट ए पॉइंट, इसे क्या कहोगे आप, ए पॉइंट इसे क्या कहोगे, नंबर एक पॉइंट, यहाँ पे लिखो नंबर टू, नंबर वन और नंबर टू, याद रखना ये नंबर वन पॉइंट है और ये नंबर टू पॉइंट है। सर नंबर थ्री पॉइंट है एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ये पॉइंट थ्री, एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं ये उस एंटिटी की एनवायरनमेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इंक्लूडिंग रीजंस ऑफ चेंजेस देयर टू, अगर आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो तो भी ये हमारे लिए
बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि ये बंदा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कितने दिन फॉलो करता है। लेट सपोज आपने प्लानिंग बनाई कि मैं रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे उठूंगा, आपने 4 दिन फॉलो किया, 5वें दिन कहा नहीं कल से मैं 7 बजे उठूंगा, फिर आपने कहा नहीं नहीं मैं 9 उठूंगा। अबे तुम इतना जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालने की आदत नहीं आती। तो ऑडिटर शैल इवेल्यूट वेदर द एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट। पहले तो ये चेक करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कैसे होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब उचित, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला खामो खा की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आप फॉलो ही नहीं कर रहे। फॉर इट्स बिजनेस एंड कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और भैया सबसे मजेदार बात, आपको इस लाइन का आंसर कैसे देना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लीकेबल करें, ठीक है? यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉलो हो सके वैसी ही आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज तैयार करनी है, ठीक है सर? उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, मतलब एक एंटिटी क्या सोचती है, वो क्या पाना चाहती है, एंटिटी का लक्ष्य क्या है और उसकी स्ट्रेटजी कैसी है। इन दोनों को एक साथ वर्ड को क्यों रखा गया है कि एंटिटी का लक्ष्य क्या है और वो उसे लक्ष्य को पाने के लिए कैसे कैसी योजनाएं बनाती है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? यानी वो बिल गेट्स टाइप के लोग हैं या फिर वो आपके किंग फिशर जैसे लोग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है? दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क में भी रिजल्ट इन द रिस्क ऑफ मिस मटेरियल, ठीक है? तो ये भी उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो हुक और क्रुक के थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या मेहनत करना चाहते हैं, ये मुझे मेरा जो रिस्क ऑफ मिस मटेरियल है इसे पता लगाने में हेल्प करेगा, ठीक है सर? उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल, आप इसको कह सकते हो फाइनेंस परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है? इवेल्यूट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भैया हम क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे और इंटरनल कंट्रोल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उससे पहले आपकी, देखो मैं पॉइंट को काउंट करवा दे रहा हूँ जो आपको लिखने हैं, क्या है देखो, पहला पॉइंट आपका ये हो गया रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी अदर फैक्टर, फर्स्ट, सेकेंड, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग सोफी, सोफी पासवर्ड है, कोड वर्ड है, न्यूमैनिक से इसे मत लिखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है सर? फोर्थ में फिफ्थ पॉइंट ये है, यहाँ डालो फिफ्थ पॉइंट, यहाँ लिखो द मेजरमेंट एंड रिव्यू, मतलब हम मेजर करते रहेंगे और रिव्यू देते रहेंगे, किस चीज़ का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, कि ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं ये अपने किसी पर्सनल रिलेटिव का तो फायदा नहीं करा रहे कंपनी के पीछे। तो सर इसमें क्या करना है हमें, लास्ट है ये, उस पांचों पॉइंट का कोई हिस्सा नहीं है, ये लास्ट है कि जो भी हमने किया है वो उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन को इवेल्यूट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हम देखेंगे कि भैया हाथी के दांत दिखाने के, दिखाने का इन द सेंस इवेल्यूट करेंगे डिज़ाइन को कि वो सच में इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी छोटा सा है ये, आप खुद से पढ़ लेना, जो भी आपने पढ़ा उसका कंक्लूजन है। ओवरऑल हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म किया, इसी के साथ अलविदा चाहूंगा दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी हमेशा जैसे रहती है कि आपको ये पार्ट समझ में आया हो तो सर लाइक एंड कमेंट जरूर कर रहे हैं, इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी जो स्पीड है, मेरी जो टेक्निक है उससे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर वक्त हो 2 सेकेंड का तो सर लाइक कमेंट जरूर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।